एक घर का राजा और एक घर की रानी। हो रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। हो रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। उसने कहा ठीक है। वो कहता है महाराज मैं अपनी पत्नी
ज्यादा अच्छा तो इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं। इसके लिए जैसे हमने शर्त अनुसार एक शर्त रखी थी, इनाम रखा था 100 असरफियां और एक घोड़ा इसको दे दिया जाए। वो उसको उठाकर दे दिया, घर पहुंचा, घर जाकर कहता है भाग्यवान देखो आज मुझे कितना बढ़िया इनाम मिला है। कहते कहां से लिया है? कह रहे आज महाराज ने मुझे एक घोड़ा इनाम में दिया, 100 असरफियां दी है। अच्छा किस लिए दी है? तो कहा है कि पत्नी की एक भी जो ना मानता हो उसके लिए ये नाम रखा था। फिर अच्छा, वो कहते हैं महाराज आपने काम तो बड़ा बहादुरी का किया, इतना बढ़िया इनाम लेकर आए तुम, लेकिन आपने एक गलती कर दी। ये जो घोड़ा लेकर आए हो ना, ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज्यादा बढ़िया लगता। वो कहते अच्छा मैं अभी जाता हूँ महाराज के पास में। और जैसे ये सुना और महाराज के पास में दौड़ता दौड़ता गया और कहता कि महाराज एक घोड़ा तो थोड़ा छोटा है, मेरी पत्नी ने कहा है थोड़ा बड़ा हो तो दे दो। महाराज कहता है क्या करता है तू, तो अभी कह रहा था कि मैं पत्नी की एक भी नहीं मानता, तू पत्नी की मान के तुरंत ही आ गया, कहता छोटा नहीं बड़ा चाहिए। कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर है। इसलिए पंक्तियां बार बार दोहराते, एक घर का राजा और एक घर की रानी, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। ऐसे लिखा क्या लिखा, जैसे गाड़ी के दो पहिए मिलकर ऐसे चलते, से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।